गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैथ में भाई जो क्लास 9 का चैप्टर चल रहा था 6.1 एक्सरसाइज का, उसका 4 क्वेश्चंस हुआ था। आज आपको पांचवा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रूफ करना है, दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी तथा ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, और सिद्ध करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब यहाँ देखिए, ये आपका फिगर है और ये यहाँ पे 90 डिग्री है, और फिर यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और ओ आर परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू के, और किरणों ओ पी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण ओ एस स्थित है। ठीक है, तो यहां से राइट हैंड साइड लेते हैं हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यहाँ से इसको ले लेते हैं, फिर यहाँ से देखिए 1/2। सर आप ये बताइए कि QOS को क्या लिख सकते हैं, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, इतना लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना। यहाँ से लिखते हैं हम इसको एंगल QOR प्लस एंगल ROS। अब ये माइनस, अब देखिए पी ओ एस को क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस को लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर, ये पी ओ आर एंगल पी ओ आर, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए पी ओ आर माइनस, अब इसको घटा देंगे पी ओ आर में से आर ओ एस घटा देंगे, माइनस एंगल आर ओ एस ये घटा देंगे। वन बाई टू आगे देखिए एंगल QOR की वैल्यू 90 डिग्री क्योंकि वो लंब है 90 डिग्री, फिर प्लस एंगल ROS माइनस। अब यहां से आप इसको ब्रैकेट हटा दीजिए एंगल POR, अब ये प्लस हो जाएगा बाहर माइनस है, प्लस एंगल ROS। फिर देखिए हाफ ऑफ द होल ऑफ 90 डिग्री प्लस एंगल ROS टू एंगल ROS माइनस। अब देखिए आप ROS जब ये 90 है तो इसका ये बचा हुआ पार्ट पूरा 90 होगा, यह 90 हो गया। अब यहाँ देखिए ये और ये दोनों घट गया है, कट गया, और उसके बाद 1/2 इन ये इतना इंटू टू एंगल आर ओ एस, ये टू टू कट जाएगा इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये टू टू गया। ठीक है, बस यही आपको प्रूफ करना। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यहाँ से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमने ले लिया ये एंगल हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस वहाँ फिगर में। फिर देखिए हमने क्यू ओ एस के स्थान पे क्यू ओ एस यहाँ पे पूरा है क्यू ओ एस प्लस यहाँ पे क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, तो यहाँ पे ये लिख दिया। फिर पी ओ एस यहाँ है तो पूरे में से इतना घटा दिए, तो ये पूरे में से इतना घटा दिए इतना आ गया, तो ये पूरा लिखे पी ओ आर लिखे माइनस आर ओ एस लिखे, तो ये इतना हो गया, इसके स्थान पे इतना हो गया। फिर यहाँ से वैसे एज इट इज करके उसके बाद यहाँ ये ओपन ब्रैकेट को ओपन कर दिए, यहाँ पे प्लस था या माइनस हुआ, माइनस था प्लस हो गया, फिर यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये आर ओ एस मिलकर 2 ROS, और ये यहाँ पे पूरा 90 है इसके 90 हो गया। फिर उसके बाद ये घट गया,
फिर ये आर ओ एस सी टू टू कट गया इक्वल टू आर ओ एस। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, और एक्स वाई को बिंदु पी तब पढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू एंगल वाई जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, एंगल जेड वाई पी मतलब कि जेड वाई पी, ये जो जेड वाई पी एंगल है, ये जो वाई क्यू है वो उसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि ये बराबर ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आप एंगल एक्स वाई क्यू एक्स वाई एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है, उसके बाद प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये है प्रतिवर्ती यहां से यहां। चलिए आगे देखते हैं, और जो कि दिया है क्या, क्योंकि क्यू वाई या वाई क्यू एंगल पी वाई जेड का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, अगर हम इसको वन मान रहे हैं इसको टू, तो इसलिए एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और चूंकि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर किसी बिंदु से एक सरल रेखा के कहीं और बने सभी कोणों का योग 180 इंच होता है, तो यहाँ इसका मान 64 है, प्लस ये दोनों इक्वल है इसलिए एंगल वन प्लस टू के स्थान पे भी यहाँ से वन लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से ये एंगल वन, एंगल वन टू, एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब इसको आप टू एंगल वन इक्वल टू ये घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 6 आएगा 1, और ये 1 वन है 16 डिग्री। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए, 5 जा 8, तो एंगल वन इक्वल टू 58 डिग्री, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू 58 डिग्री, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि एंगल क्यू वाई एक्स, एंगल किसका पूछ रहा है, मान एंगल एक्स वाई क्यू, क्यू वाई एक्स या एक्स वाई, एक्स वाई क्यू का मान पूछ रहा है, तो देखिए तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं 64 डिग्री प्लस एंगल 1, तो 64 डिग्री प्लस एंगल 58, ठीक है, तो ये ऐड कर दीजिए, ये 8 और 4 12 और 6 और 5 11 1 12, तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू 122 आई, तो आगे देखिए ये हुआ कहाँ से, मतलब ये इतना प्लस इतना, इसको इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से पूरा आ जाएगा। फिर आगे क्या पूछ रहा है, ये तो यहाँ पे एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई, आगे पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती Q
क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी की वैल्यू, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, पहले क्यू वाई पी देखिए, तो एंगल क्यू वाई पी मतलब कि एंगल टू, तो क्या हुआ 58 डिग्री, ये हो गया। फिर आगे देखिए प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्या एंगल क्यू वाई पी, देखिए प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब 360 डिग्री में से क्यू वाई पी जितना है उतना घटा दीजिए 58 डिग्री, कुल मिला के इसको घटाएंगे तो ये 302 डिग्री आ गया, ये आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। और इसका एक आंसर ये है, नोट कर लीजिए। तो आगे बच्चों देखिए वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो उस एक्सरसाइज के बाद आगे कुछ डिफरेंसेस हैं, आइए देखिए उसको। ऐसे समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस को बोलते हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटती हों कभी न प्रतिच्छेद करती हों तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हम एल और एम लिए हैं, इनके बीच की अगर हम लंबवत दूरी ले रहे हैं जैसे 90 डिग्री पे हो यहाँ दोनों, यहाँ ये दूरी अगर यहाँ से ए सपोज दैट वेरिएबल में ए मापे हैं, तो चाहे जहाँ भी हम अगर मापेंगे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ए ही रहेगा, चाहे जहाँ मापेंगे एकदम परपेंडिकुलर अगर है तो दूरी तो हमेशा लंबवत मापी जाती है, तो ये हमेशा ए होगा। और दूसरा देखिए जो ये एक दूसरे को जब हमेशा इसके बीच की दूरी जो है वो सेम रहेगी तो एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं, तो इसलिए दूसरी बार डिफ्यूजन हो गई, एक दूसरे को कभी न काटती हूँ, तो ये हो गया। अब इसको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल पैरेलल क्या हुआ एम, एल समांतर किसके है एम के, ये तो समांतर रेखा हो गई। आगे है तिर्यक रेखा जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को किसी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने L और M दो ही रेखा दिखाया है, अगर आपको यहाँ पे और भी दूसरी रेखा दिखा दें, ठीक है इसको आगे बढ़ा दें, तो ये दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रहे हैं ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी आपका। और ये अगर पैरेलल होगा तो दूसरी कंडीशन होगी, इसमें कुछ और कोण्स बनेंगे जिसके बारे में अभी हम आप आगे बता रहे हैं, और ये इतना ही डिफिनेशन में इसके हैं। आगे बच्चों संगत कोण, उसी में आगे समांतर रेखा पर ही डिपेंड है सर, ये सब अगर रेखाएं समांतर हैं तो ही ये सब होगा, संगत कोण बराबर होगा। देखिए संगत कोण कैरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को तिर्यक रेखा काट एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। आइए देखते हैं, जब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि L जो है वो पैरेलल है M के और T एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पे एक दो तीन चार मतलब कुल मिला 1 2 3 4 चार एंगल यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 6 7 8 कुल मिला के यहाँ पे 8 एंगल बने। तो देखिए कौन कौन किसके संगत है, देखिए संगत कोण क्या होता है, मतलब कि एंगल वन का संगत एंगल फाइव है, क्योंकि समांतर रेखा के ऊपर दोनों हैं और तिर्यक रेखा के बाई साइड में, ठीक है मतलब कि समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाई साइड में वन और फाइव की पोजीशन है। सेम उसी तरह 4 और 6 समांतर रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाई साइड में,
और फिर यहाँ पे टू और एट है क्योंकि समांतर रेखा के ऊपर और तिरेक रेखा के दाएं साइड में है। और फिर 3 और 7 ये क्या है, समांतर रेखा के नीचे और तिरेक रेखा के दाएं साइड में। तो आइए, तो एंगल 1 क्या है, किसके बराबर, एंगल 5 के। और एंगल जो 2 है वो एंगल 8 के बराबर। एंगल जो 3 है वो 7 के बराबर। और एंगल जो 4 है वो 6 के बराबर। तो ये क्यों है, ये सब करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से है, संगत कोण जिन्हें कहते हैं। इसी में दूसरा है अंतःएकांतर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःएकांतर कोण, इसको अंतःएकांतर कोण, मतलब कि तिर्यक रेखा के अंदर, सॉरी समांतर रेखा के अंदर। देखिए अंतःएकांतर क्या है, ये भी आप देखिए अंतःएकांतर कोण कब बराबर होते हैं, वही सेम जब दो या दो से अधिक रेखाओं को, एक तिर्यक रेखा है, दो या दो से अधिक क्या, दो या जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःएकांतर कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 4 और 8 एक दूसरे के अंतःएकांतर हैं और 3 और 5 एक दूसरे के अंतःएकांतर हैं। तो यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अंतःएकांतर कोण की वजह से हो गया। अगला तीसरा देख लीजिए, सब कुछ पाइए, तीसरा बाह्य एकांतर कोण। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए सेम वही, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बाह्य एकांतर कोण बनते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए बाह्य एकांतर कोण 1 का जो है 1 वो 7 के बराबर है और 2 जो है वो 6 के बराबर, ये बाह्य एकांतर कोण मतलब समांतर रेखा के बाद। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये क्या हुआ, बाह्य एकांतर कोण की वजह से। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो चार ऊपर चार नीचे 8 को मिला के 8 एंगल बनते हैं, उसमें समांतर कोण भी आ जाते हैं, अंतःएकांतर संगत कोण भी आ जाते हैं, अंतःएकांतर कोण भी आ जाते हैं और बाह्य एकांतर कोण भी आ जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए।